ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। सीएम वीरभद्र सिंह ने की शैटाधार में देव शैटीनाग के नए मंदिर की प्रतिष्ठा। बोले नड्डा सीएम रेस की पतंगबाजी में बैठा जा रहा है धूमल का दिल। बद्दी में बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। बैनर में सीएम व उद्योग मंत्री के हाथों में थमाए कटोरे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान जाकर धन किया एकत्रित। सोलन में फोरलेन निर्माण कार्य की जद में आई 80 वर्ष पुरानी बंगाली बस्ती। खुले आसमान के नीचे जंगलों में रात बिताने के लिए 24 परिवार हुए मजबूर। और श्रद्धानंद की पर्यावरण के प्रति अटूट श्रद्धा। बीते 18 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं पौधारोपण का कार्य। अब तक लोगों के साथ मिलकर लगा चुके हैं 25,000 पौधे। श्रद्धानंद की पर्यावरण के प्रति अटूट श्रद्धा है और इस अटूट श्रद्धा का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धानंद अभी बीते 18 वर्षों से निष्काम भाव से पौधारोपण के कार्य में जुटकर करीब 25,000 पौधे लगा चुके हैं। आइए आप भी जानिए पर्यावरण के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धानंद के बारे में। मंडी जिला का करसोग उपमंडल एक सुंदर घाटी में बसा हुआ है। इस घाटी में रहते हैं श्रद्धानंद। श्रद्धानंद चुराग स्कूल में जीव विज्ञान के प्राध्यापक हैं और इनकी बच्चों को किताबी ज्ञान देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान देने की भी पूरी श्रद्धा है। श्रद्धानंद बीते करीब 18 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। श्रद्धानंद की पर्यावरण के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा है कि वे अभी तक अपने इलाके में विभिन्न संस्थाओं, विभागों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 25,000 से भी अधिक पौधे लगा चुके हैं। श्रद्धानंद पर्यावरण संरक्षण के जिस कार्य में जुटे हुए हैं उसके लिए उन्होंने कभी किसी पुरस्कार की लालसा नहीं रखी। बस अपनी इच्छा से समय निकालकर इस कार्य को करने से उन्हें जो आनंद मिलता है उन्हें उसी में संतुष्टि मिल जाती है। आज श्रद्धानंद द्वारा लगाए गए पौधे पेड़ों का रूप धारण करके कहीं फल दे रहे हैं, कहीं ईंधन तो कहीं छांव। साथ ही पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन को संजीवनी मिली है वह अलग। श्रद्धानंद का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1000 से 1500 पौधों को रोपने का रहता है और इस कार्य में उन्हें वन विभाग पूरी मदद करता है। श्रद्धानंद बताते हैं कि वे पौधारोपण के कार्य को एक उत्सव की तरह मनाते हैं और लोग भी इसमें उन्हें पूरा सहयोग करते हैं। श्रद्धानंद का मानना है कि वनों में हर प्रकार के पौधे लगाने से जहां पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा वहीं जंगली जीव जंतुओं को भी रिहायशी इलाकों में आने से रोका जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इसको एक उत्सव के रूप में मनाए, जैसा हम मनाते हैं। हम गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, हर समाज के हर वर्ग को, कर्मचारी को, अलग अलग विभागों के, बैंकों के, दूसरे फॉरेस्ट के, एग्रीकल्चर के, पंचायती निकाय के, पंचायत के, महिला मंडलों को, युवक मंडल को, हमने हर वर्ग के लोगों को अगर सहयोग लें, उनको साथ ले चलें, छात्रों का साथ लें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये पर्यावरण की समस्या जो है जो हमारे यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसको कुछ ही वर्षों में उससे ठीक किया जा सकता है। हम ये नहीं चाहते कि भाई एक ही किस्म के पौधे लगाए जाए। देवदार, बान, रई, तोष, मरु, खरसूस, सेगड़, कैंथ, फेगड़ा, त्र्यंबड़, हर प्रकार के पौधे लगाए जाए ताकि
उसमें जीव जंतुओं को, जैसे जंगली जीव जंतु है, वो भी अपना भोजन संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सके और वो बस्ती की तरफ अपना रुख ना करें। शतानंद स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को बताते हैं कि एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 7 पेड़ों की आवश्यकता रहती है और यदि इस जरूरत को भविष्य में भी पूरा करना है तो आज से ही सजग होना होगा। शुरुआती दौर में हालांकि शतानंद को लोगों का सहयोग नहीं मिला, लेकिन हौसले बुलंद रखने वाले शतानंद आगे बढ़ते गए और कारवां बनता गया। आज स्थानीय लोग भी शतानंद द्वारा किए जाने वाले पौधारोपण के कार्य में पूरी निष्ठा के साथ भाग लेते हैं। ये प्रेरणा हमें हमारे अध्यापकों से मिली। वो महीने में एक दो बार हमारे को पौधारोपण के लाभ और लाभ के बारे में बताते हैं। हर वर्ष की तरह हमने इस साल भी पौधारोपण किया। पिछले वर्ष हमने 518 पौधे लगाए, इस साल भी हमने लगभग 100 पौधे लगाए। सदानंद सर हमें बार बार बताते रहते हैं, हमें अवेयर करवाते रहते हैं इसके बारे में। वे जब भी हमें बीज मिलते हैं हम उन्हें बीजारोपण करते हैं और समय समय पे उनका संरक्षण भी करते हैं। सर हमें घर को पौधे लगाने को भी देते हैं ताकि हम घर वहीं भी अपने घर के आसपास भी पौधे लगाएं, हम ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और हम अपना पूर्ण योगदान दे सके उसमें। सर हम इसमें जब भी सदानंद जी हमें बताते हैं कि कहीं पे पौधारोपण करना है, वहाँ पे हम चले जाते हैं और उनके साथ पूरा पूरा योगदान देते हैं। बाकी सदानंद सर 18-20 सालों से यही काम करते आए हैं, बहुत सारे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं और बाकी भी उन्होंने बहुत सारी हमें अच्छी नॉलेज दी है हर अच्छे काम में। करसोग उपमंडल का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहाँ पर सदानंद के हाथ का लगाया पौधा न लहला रहा हो। खास बात यह है कि शतानंद सिर्फ पौधारोपण ही नहीं करते या करवाते, बल्कि लगाए गए पौधों की देखरेख का भी पूरा दायित्व उठाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति शतानंद की श्रद्धा आज दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। अगर हर नागरिक पर्यावरण के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की शपथ ले ले तो पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता पर खर्च होने वाले करोड़ों की राशि को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने पर्यावरण को बचाए रखने का आह्वान विद्यार्थी वर्ग ने किया है। पडो में हिमालयन सीनियर सेकेंडरी स्कूल व वीवीएमबी के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से बच्चों ने अपने विचारों से समाज में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने का प्रयास किया। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, यह संदेश देने का प्रयास किया गया विश्व पर्यावरण दिवस पर। 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में पंडोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रैलियां निकाली और सभी को यह संदेश देने का प्रयास किया कि यदि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसी तर्ज पर हिमालयन सीनियर सेकेंडरी स्कूल व वीवीएमबी के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा रैली का आयोजन किया गया और सभी से पर्यावरण को बचाए रखने का आह्वान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बीबीएमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हिमालयन पब्लिक स्कूल के बच्चों और हमारे कर्मचारी और अधिकारियों ने लगभग 200 पौधे जो है डिफरेंट किस्म के हर्बल प्लांट्स जो है यहाँ जागर एरिया में लगाए गए, जिससे जो है हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम पर्यावरण को बचाएं। हिमालयन स्कूल के छात्रों द्वारा 200 अलग अलग किस्म के हर्बल प्लांट लगाए गए। हिमालयन स्कूल की प्रिंसिपल ने इस आयोजन में शामिल करने को लेकर बीबीएमबी पंडो का धन्यवाद भी किया। मैं बीबीएमबी पंडो प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि उनके सौजन्य से जो हमारी प्लानिंग थी प्लांटेशन की वो पूरी हुई। पर्यावरण दिवस को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने स्लोगनों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मंडी पब्लिक स्कूल में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन हिमाचल डिफेंस वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन की चेयरमैन व मिसेज इंडिया हिमाचल 2017 सेकंड रनर अप रिंकू भगत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। सीनियर सेकेंडरी मंडी पब्लिक स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट चेयरमैन मिसेज इंडिया हिमाचल 2017 की सेकेंड रनर अप रिंकू भगत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। रिंकू भगत ने छात्रों को पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए अपने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का भी आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कम पेड़ काटने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। पेड़ लगा के सफाई सफाई का ध्यान रखना है ताकि कूड़े करकट इधर उधर ना हो, और पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है ताकि बहुत गंदी हवा कहाँ से आ रही है, क्या है नहीं है, जैसे बाइक में ही है कुछ आ रहा है, मोटर वगैरह में आ रहा है, तो पापा जी को बोलना है कि पापा इससे बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, आप इसकी मरम्मत कराओ, ठीक कराओ। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग कैसे क्या पेड़ लगाने का कैसे क्या सोचोगे? मैं एक आइडिया दूँ कि आप लोग अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओगे, जो हर साल एक एक करके अपना जितने जन्मदिन होंगे हर साल एक एक पौधा लगाओगे तो उससे भी हमारे पर्यावरण में सुधार आएगा। वहीं मंडी पब्लिक स्कूल की चेयरमैन डिंपल ठाकुर ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और मिसेज इंडिया हिमाचल 2017 सेकंड रनर अप रिंकू भगत ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित पेंटिंग कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। आज हमारे स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह कार्यक्रम हिमाचल डिफेंस वुमेन एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मिसिज इंडिया हिमाचल 2017 रिंकू भगत और मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। कार्यक्रम में मणिपुर शहीद मनोज कुमार की पत्नी पुष्पलता विशेष रूप से उपस्थित हुई। इस मौके पर एसोसिएशन की अध्यक्षा आशा ठाकुर, अनु मेहरा, शांता बबली भी मौजूद रही। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। प्रकृति ने मनुष्य को कई प्रकार की सौगात दी है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी सौगात पर्यावरण है। अगर यह पर्यावरण ना हो तो पृथ्वी में जीवन व्यतीत करना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए पर्यावरण का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। इसी उद्देश्य को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस पर सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांबिया में एनएसएस के सेवकों सहित अन्य बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने आसपास के गांव में जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक व अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही बच्चों ने लोगों को पर्यावरण का महत्व बताते हुए बताया कि हमें पीने का जल, जीने के लिए वायु, खाना बनाने के लिए ईंधन, जीव जंतुओं के लिए चारा आदि पर्यावरण से ही मिलता है, इसलिए पर्यावरण को बचाना सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमिता शर्मा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर विद्यालय परिसर से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों द्वारा लोगों को आने वाले कल और आज को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को समझाने के लिए जागरूक कर पृथ्वी को बचाने का संदेश भी दिया गया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की इतना महत्व है हमारे जीवन में कि अगर हम अभी गंभीर नहीं होंगे इस ओर, तो आने वाले समय में हम अपने अस्तित्व को भी मिटा देंगे और इस धरती को भी खो देंगे। हर साल हम प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु उसके बाद कोई भी ऐसा स्कूल या ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां उसके पश्चात जो है उसके निदान के लिए कोई कार्यक्रम चलाए गए हों। हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए विकास के रास्ते पर हैं, सभी हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते।
परंतु प्रकृति की कॉस्ट पर अगर विकास होता है तो वो मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए ही खतरनाक साबित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने सड़कों पर उतरकर लोगों का पर्यावरण की ओर ध्यान आकर्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं रिवालसर स्थित यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रैली निकालकर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। रिवालसर स्थित यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने रैली निकालकर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। वहीं इस मौके पर यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य वीडी शर्मा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई व समाज में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों द्वारा रैली निकाली गई व पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर स्कूल की एक रैली निकाली गई जिसमें पर्यावरण अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है स्लोगन किए गए और बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्लोगन अपनी पट्टिका पे लिखे हुए थे जो पर्यावरण स्वच्छता और पर्यावरण को किस प्रकार बचाया जाता है उसके बारे में जो लिखा गया था। इसके बाद रिवालसर के चारों तरफ एक रैली लगाने के बाद हमने स्कूल में जो है स्लोगन कंपटीशन रखा है, पेंटिंग कंपटीशन रखे हैं और उसमें कुछ प्रतियोगिता लिखे, खेल कूद की प्रतियोगिता रखी गई है। वहीं स्कूली विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला व बड़े ही जोश व खरोश से रैली में नारे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पेड़ लगाकर पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है और पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, पर्यावरण संरक्षण रैली के द्वारा बच्चों ने लोगों को बताया। सेव ट्री सेव लाइफ, इस स्लोगन का मतलब है कि अगर हम ट्रीज को बचाएंगे तभी हमारी लाइफ बचेगी, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत जरूरतमंद होती है। तो हमने हमारे स्कूल की तरफ से एक रैली निकाली थी ताकि रिवालसर में रैली निकाली ताकि यहाँ के लोग जागरूक हो सकें पॉल्यूशन के खिलाफ। तो हमारा रैली निकालने का जो मकसद था वो था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। वैसे तो यहाँ के लोग वैसे ही सभी जागरूक हैं, परंतु हम उन्हें ये संदेश देना चाहते थे कि वह किस प्रकार पेड़ लगाएं और हमारे जो पर्यावरण है इसे बचाएं। जैसा कि हमने देखा भी होगा कि कुछ लोग यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे थे, इसका मतलब ये था कि लोग जागरूक हैं, परंतु जो लोग जिन लोगों में जागरूकता की कमी है उन लोगों में हम जागरूकता लाना चाहते थे। सोमवार को मंडी में निर्जला एकादशी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंडी के सेरी मंच पर मंडी जिला ब्राह्मण सभा द्वारा छबील लगाकर राहगीरों को ठंडे पानी का रसपान करवाया गया। मंडी के सेरी मंच पर मंडी जिला ब्राह्मण सभा द्वारा छबील का आयोजन किया गया। मंडी जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि आज निर्जला एकादशी के मौके पर ब्राह्मण सभा द्वारा छबील का आयोजन किया गया है और ब्राह्मण सभा के सदस्यों द्वारा लोगों को ठंडे पानी का शरबत बांटा जा रहा है। आज हमें भगवान परशुराम से की ओर से बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस अवसर पर आपको पूरी मंडी के जन समुदाय इसके बड़े आभारी हैं क्योंकि जन सहयोग से हमें इस काम को करने में काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई है, लोगों का काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। हम शासन के बड़े आभारी हैं जिन्होंने कि हमें यह जगह उपलब्ध पाई और ये जगह ऐसी है जहाँ की जन समूह खुद पानी पीने के लिए आता है और विभिन्न जल का उत्पादन करता है। हम चाहते हैं कि हम प्रति हर पास की भांति कई सालों से हम इस पर्व को मनाने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।